जरा मेरे क्रोध मिलता ना मौका रोज। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू टुडे एडिटिंग जोन। सो गाइज, अभी जो आपने स्क्रीन पर वीडियो देखा है या वीडियो देख रहे हो गाइज, इस टाइप का वीडियो आपने कभी ना कभी इंस्टाग्राम पर देखा होगा, जो ऊपर में VN का कोड दिया हुआ रहता है। वो क्यों दिया रहता है और किस लिए दिया रहता है वही बताऊंगा आज की इस वीडियो में, और इससे क्या होता है वही बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना होगा गाइज, इस वीडियो का आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, यानी कि इस पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा गाइज हम आ गए मोबाइल को होम स्क्रीन पे, तो चलिए हम गाइज जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसको क्रॉप कर लेते हैं अच्छे से, और इसी टाइप से आप भी क्रॉप कर लीजिएगा इस QR कोड का, ठीक है गाइज। इस QR कोड का ही सिंपली हमें काम होता है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको VN ऐप को ओपन करना होगा, ठीक है। VN ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा फ्री में अवेलेबल, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जस्ट ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद गाइज फर्स्ट स्क्रीन पे आना होगा, आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। ऊपर में 3 डॉट ऑप्शन देगा, ठीक है, इस टाइप का इंटरफेस रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्लस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना होगा, ध्यान रखिएगा। प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं देगा आपको, ठीक है। तो सिंपली आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ऊपर में स्कैन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। स्कैन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज अभी जो मैंने क्रॉप किया है QR कोड का, उस QR कोड को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे एक टेम्पलेट दिख जाएगा, ठीक है गाइज। सिलेक्ट करते ही आपका एक टेम्पलेट आ जाएगा, और यहाँ पे गाइज डाउनलोड वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। VN टेम्पलेट देख सकते हो, VN टेम्पलेट लिखा हुआ है और डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा सिंपल में, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद यूज टेम्पलेट का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अभी बस वेट कीजिए, और डाटा को ऑन रखिएगा तभी ये वर्क करेगा, ठीक है गाइज। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, और यहाँ पे गाइज थोड़ा सा वेट कीजिए। तो टेम्पलेट का मतलब है गाइज कि जिस जैसा ये वीडियो है वैसा ही आपका वीडियो, आपका भी वीडियो बन जाएगा फोटो से, ठीक है। जिस तरह से यहाँ टेम्पलेट रहेगा, जिस तरह का टेम्पलेट उसी टाइप का आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गाइज आपको फोटो सेलेक्ट करने के लिए देगा, और यहाँ पे गाइज जितना आप फोटो सेलेक्ट करना चाहोगे सेलेक्ट कर सकते हो, जितना आप वो बोलेगा, ठीक है गाइज। जितने यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए मांगेगा वहाँ पे आपको ऐड कर देना होगा फोटो, ठीक है, ठीक है गाइज। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत सारा फोटो को ऐड कर दिया है। अब चाहे तो गाइज एक ही फोटो को ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। इसको जस्ट क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, और जैसे गाइज हमें इस फोटो को बदलना होगा, ठीक है। इस फोटो को बदलने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, उस पर टाइप करना होगा, और यहाँ पे गाइज इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा, और रिप्लेस का भी ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो रिप्लेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और हमें गाइज सभी लेयर में एक ही फोटो ऐड करना है। तो एक ही फोटो को हम सबको इस तरह से बारीकी से चेंज कर देंगे, ठीक है गाइज। सबको बारीकी तरीके से चेंज कर दीजिएगा, और वहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहीं पे आपको रिप्लेस वाला ऑप्शन पे आकर के चेंज करना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे गाइज हम कुछ इस टाइप से चेंज कर देते हैं, ठीक है गाइज। सो चेंज करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा एक ही फोटो सभी बॉक्स में ऐड हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे क्या करना होगा, एडिट वाला ऑप्शन पे जाना होगा। एडिट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको देख लेना होगा एक बार कि ऑडियो में आपका आवाज़ आ रहा है कि नहीं, यानी कि गाइज वीडियो में आपका साउंड दे रहा है कि नहीं। साउंड नहीं दे रहा होगा तो गाइज क्या करना होगा आपको, जो अभी मैंने जिस वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया है उस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड करके ऑडियो निकालना होगा, ठीक है। उसको ऑडियो निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, इस वाला प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना होगा, और जो अभी मैंने वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया है उस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड कर देना होगा। और नीचे वाला पार्ट को स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप्ड ऑडियो का ऑप्शन दिख जाएगा, स्ट्रैप्ड ऑडियो पे क्लिक करना होगा आपको, और इसका ऑडियो बाहर आ जाएगा। अब गाइस इस पार्ट को हमें डिलीट करना होगा, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस वाला लेयर पे क्लिक करना होगा, लेयर वाला पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे गाइज आपको इस पार्ट को हटाने के लिए यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। इस वाला लेयर पे क्लिक कीजिएगा तो डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। सो देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा ऑडियो आ चुका है, और हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है एडिटिंग, ठीक है। जिस तरह से गाइज वैसा वीडियो रहेगा, जैसा वीडियो रहेगा वैसा ही आपको टेम्पलेट से एडिटिंग हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।